कि ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है, ये देश जितना अमीरों का है ये देश उतना ही गरीबों और मजदूरों का भी है, क्या अधिकार हमको होना चाहिए। यह जो हमारा आत्मसम्मान का अधिकार है, उस आत्मसम्मान की रक्षा कि हमारे यहाँ 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। वोट किसको दिया? वोट दिया कांग्रेस को, वोट दिया जेडीयू को, वोट दिया आरजेडी को। सरकार बनी जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस की, और सरकार जब कुछ दिन चली, जब ईवीएम हैकिंग का काम सफल नहीं हो पाया तो वहां पे बीजेपी ने सीएम को ही हैक कर लिया। और जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे उसी के साथ जाकर के सरकार बना लिए। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, अभी कर्नाटक में क्या हुआ, लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वोट दिया दूसरी पार्टियों को। लेकिन जो लोग दूसरी पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़े वो पैसा लेकर के भाजपा में शामिल हो गए। आपके राज्य में क्या हुआ, जो कल तक कहते थे कि मर जाऊंगा शरद पवार का साथ नहीं छोड़ूंगा, वो उन्होंने कहा कि आप मर जाइए मैं अमित शाह के पास जा रहा हूं। आप ऐसी परिस्थिति में भी यदि विचार नहीं करेंगे कि इस देश और लोकतंत्र के लिए क्या हो रहा है, मैं समझता हूं ये संकट की घड़ी है। आप सोचिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता होगा लड़का तो उसको मालूम होगा, कोई लड़की काम करती होगी उसको मालूम होगा कि प्राइवेट कंपनी में जब आप जॉब छोड़ने वाले होते हैं तो आपको एक महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? एक महीना पहले आप नोटिस देते हैं कि हम जॉब छोड़ने वाले हैं। मकान किराए पे लेते हैं, रूम एग्रीमेंट बनवाते हैं, 11 महीने के रूम एग्रीमेंट के बाद क्या होता है कि आप छोड़ने से एक महीना पहले मकान मालिक को बताएंगे कि हम आपका मकान छोड़ने वाले हैं। और यही बात मकान मालिक पर भी लागू होता है कि वो एक महीना पहले बताएगा कि हम आपको मकान खाली कराने वाले हैं। लेकिन ये नियम नेताओं पे लागू नहीं होता है। शाम में एनसीपी के साथ, सुबह में बीजेपी के साथ, सुबह में बीजेपी के साथ, शाम में शिवसेना के साथ, शाम में शिवसेना के साथ, सुबह में अमित शाह के साथ, पता ही नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में जो लोग विचारधारा के लिए वोट करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सचमुच समाज में बदलाव हो, उनके लिए आज सबसे बड़ा संकट क्या हो गया है कि वो यदि बीजेपी को हरा भी दे, क्या गारंटी कि वो उस पार्टी में रहे? हो सकता है कि उसके घर पे ईडी आए, सुबह को ईडी का नोटिस आए, वो शाम को जो है बीजेपी का मेंबरशिप भर दे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में? इसीलिए दो बात को समझना बहुत जरूरी है। एक, इस स्टेट असेंबली के इलेक्शन में स्टेट के मुद्दा को हम लोग कैसे चुनाव का विमर्श का हिस्सा बना सकते हैं, और दूसरा, वैसे लोगों के ऊपर हम अपना भरोसा जताएं जिन लोगों के साथ इस बात का कमिटमेंट हो, इस बात की प्रतिबद्धता हो कि वो मर जाएंगे लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं करेंगे, हिंदुस्तान से समझौता नहीं करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो चुनाव में हार जाने के बाद भी भाजपा सरकार बना ले रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट का एक उदाहरण आपको देता हूं। बीजेपी के पास एक एमएलए था, एक एमएलए, दूसरी पार्टियों के सारे एमएलए खरीद करके भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया एक एमएलए के साथ। गोवा का सरकार जब बना था मनोहर पर्रिकर के समय में, तब आपने देखा कि किस तरीके से सरकार वहां पे बनी, कर्नाटका में किस तरीके से सरकार बनी, बिहार में किस तरीके से सरकार बनी, और ठीक चुनाव से पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे विपक्ष में बांध टूट गया हो और लोग जो है वो भाग रहे हो, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। ऐसे में जो राजनीतिक मूल्य है उन मूल्यों की रक्षा कौन करेगा, और आज उन मूल्यों को बचाना जरूरी है। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य ये हैं कि हिंदुस्तान की 70% आबादी, मैं 70% आबादी कहता हूं, अपने रोजी रोटी के लिए जूझ रही होती है। हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो जूझ रही होती है।
बाप मेहनत मजदूरी कर रहा है, बच्चे को पेट काट काट करके, माँ दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करके बच्चे को इंजीनियरिंग कराती है, BBA कराती है, MBA कराती है, इस उम्मीद में कि बच्चा पढ़ेगा, नौकरी मिलेगी और हम झोपड़पट्टी से निकल करके किसी सोसाइटी में मकान लेकर के इज्जतदार की तरह रहेंगे। लेकिन ये सपना पूरा हो पाता है? क्योंकि MBA करने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद आज लोगों के पास नौकरी नहीं है। गांव की हालत ये थी, मैं गांव से आता हूं, कि लोग बैग उठाते थे और बड़े शहरों की तरफ चल देते थे, चलो मुंबई, चलो कलकत्ता, चलो दिल्ली, इस उम्मीद में कि वहां काम मिलेगा। आज बड़े शहरों की भी हालत ये है कि लगातार हर जगह लोगों को काम से निकाला जा रहा है। और स्पेशली आपने देखा होगा, जब नोटबंदी लागू की गई तो बड़े पैमाने पे लोगों को शहर छोड़ करके वापस गांव जाना पड़ा। गांव में खेती ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, किसान किसानी नहीं करना चाहता है। कोई किसान आज तक आपको अपनी जिंदगी में मिला है जो ये कहता हो बड़े गर्व से कि मैं अपने बेटा को किसान बनाना चाहता हूं? क्यों नहीं कहता है? आप सोचिए कि किसान किसानी नहीं करे, मजदूर मजदूरी नहीं करे, जिस लोकल ट्रेन पर चढ़ करके आप जाते हैं उसका ड्राइवर कहे कि हम ट्रेन ना चलाएंगे, जिस सड़क पे आप चलते हैं उसको साफ करने वाले सफाई कर्मी कहें कि हम इसको साफ नहीं करेंगे, तो देश कैसे चलेगा? ये जो देश की सबसे बुनियादी काम करने वाले लोग हैं, जो रेड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, दुकानों में मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, घरों घरों में घूम करके काम करते हैं, टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं, ये लोग अगर काम नहीं करें तो देश कैसे चलेगा? लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं, इनके मुंह से आप कभी सुने हैं, कोई पकौड़ा तलने वाला आपको बोला है कि हमने अपने बेटे को पकौड़ा तलने वाला बनाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना भी रोजगार अगर है तो अमित शाह अपने बेटा का एक पकौड़ा का दुकान क्यों नहीं खुलवा देता है? उसको तो BCCI का सेक्रेटरी बना रहा है और हमको कह रहा है कि तुम्हारा बाप भी पकौड़ा तलता था, तुम भी पकौड़ा ही तलो। तुम्हारा बाप भी गटर में उतरता था, तुम भी गटर ही उतरो। तुम्हारा बाप भी खेती करता था, तुम भी खेती ही करो। हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा है और हमारी स्थिति ऐसी कर दी गई है कि देश चलाते हैं हम और हमारे साथ ही कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार होता है। बताइए, अगर मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो ये शहर चलेगा? ये शहर की चकाचौंध चलेगी? जब आप अपने काम में व्यस्त रहे होते हैं तब कोई आदमी घूम घूम करके साइकिल पे कभी देखिएगा कि वो स्ट्रीट लाइट जलाता चलता है? कभी मिला है, नहीं मिला है वो आदमी जो साइकिल पे स्ट्रीट लाइट जलाता चलता है? कभी वो आदमी मिला है कि जिस सड़क पे आप थूक देते हैं उसको वो झाड़ू से साफ कर रहा होता है? कभी वो आदमी मिला है जो पब्लिक यूरिनल में आप पिशाब करके गाना गाते हुए जिंदगी को के फिक्र को धुएं में उड़ाता चला हुआ कह के निकल जाते हैं, सोचते हैं कि उसको कौन साफ करता है? इस पे विचार करके देखिएगा कैसे हमारे चेहरे गायब कर दिए गए हैं। करोड़ों लोगों के राज्य में चुनाव हो रहा है लेकिन उनका मुद्दा गायब कर दिया गया है, एक ही आदमी का फोटो दिख रहा है। सुबह उठिए, मोबाइल खोलिए, मोदी जी नमस्कार। घर से निकलिए, पेट्रोल पंप पे जाइए, मोदी जी मुस्कुराते रहिए। ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पे बैठिए, मोदी जी बोलेंगे हेलो। ट्रेन से उतरिए, स्टेशन से बाहर निकलिए, कहेंगे आपका स्वागत है दादर स्टेशन के बाहर। ऑफिस में पहुंचिए, नजर उठाइए तो आपका बॉस जो है भगवान की तरह उसका फोटो अपने सर के ऊपर लगाए हुए है। दिन रात एक आदमी का चेहरा आपको क्यों दिखाया जाता है? दिन रात एक आदमी का चेहरा आपको इसलिए दिखाया जाता है कि आपके सपने को उसके नाम पे खरीद लिया जाए। और आपका सपना क्या है? आपका सपना तो यही है ना कि मेहनत मजदूरी करने वाले का बच्चा भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जब मेहनत मजदूरी करने वाला का बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम भी एक दिन अंबानी बन सकते हैं, यही आप सोचते हैं ना?
बने क्या? मेरा तो दादाजी भी सोचता था कि अंबानी बन जाए, फिर बाबूजी को भी लगता था कि अंबानी बन जाएंगे, हमको भी बहुत दिन तक लगते रहा कि अंबानी बन जाएंगे, बन तो नहीं पाए। आप गलत एम्बिशन जब लेकर के चलेंगे तो वो आप कभी नहीं पूरा कर सकते हैं। एक इंसान का एक ही एम्बिशन होना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है, ये देश जितना अमीरों का है ये देश उतना ही गरीबों और मजदूरों का भी है, क्या अधिकार हमको होना चाहिए। यह जो हमारा आत्मसम्मान का अधिकार है, उस आत्मसम्मान की रक्षा हम कर सकते हैं। और उस आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है, और उसी दिमाग को बंद कर देने के लिए ये साजिश रची गई है कि आपके टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपया खर्च करके आपको ये बताया जाता है कि मोदी जी गरीब थे, मोदी जी गरीब थे, मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी की मां मजदूरी करती थी, आप मजदूरी करते हैं, आप गरीब हैं। ये सवाल गायब कर दिया गया है। इसको कभी सोचे हैं? आपका पैसा लेकर के हजारों करोड़ खर्च करके आपको बताया जा रहा है कि मोदी जी बड़े गरीब आदमी थे, मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी जी बहुत बहादुर हैं। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये ना पता चल सके कि इस बताने के प्रयास में बहुत कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप एक चीज नोटिस किए हैं, किसी कपड़ा के दुकान पे जाएंगे तो शीशा में जो बंद कपड़ा होता है वो बहुत सुंदर लगता है, और सामने से जब वो कपड़ा लेने लगेगा तो आपको उतना सुंदर नहीं लगेगा। तब आपको गोलमाल समझ में आएगा कि शीशा में बंद जो कपड़ा है वो दिखाने के लिए है, बेचने के लिए तो ये माल है। मोदी जी का चेहरा दिखाने के लिए है, बेचने के लिए वही बेईमान, वही ठेकेदार, वही माफिया, वही चोर, वही भ्रष्टाचारी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। और वोट किसके नाम पे मांगा जाता है? वोट प्रधानमंत्री के नाम पे मांगा जाता है। उस पे जाकर के आप विचार कीजिएगा कि मोदी जी गरीब थे, हम गरीब हैं, हमारा सवाल क्यों नहीं है उसमें? हमारे जो बाल बच्चों का भविष्य है वो उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है? इस बात पे विचार कीजिएगा। आपको वोट जिसको देना है उसको दीजिएगा। मैं आपके लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला करने नहीं आया हूं, और हमको पता है कि आप अपने तरीके से सोच करके ही वोट दीजिएगा। भाषण आप हो सकता है बहुत लोगों का सुन लेते होंगे, वोट आप अपने मन से ही दीजिएगा। सबके वोट देने के अपने अपने कारण होते हैं। जैसे मंदिर एक ही होता है लेकिन मंदिर जाने का कारण लोगों का अलग अलग होता है। कोई जूता चुराने के लिए जाता है, बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए जाता है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी का मन्नत मांगने के लिए जाता है। मंदिर एक ही है, मन्नत अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। उसी तरीके से चुनाव एक ही है, वोटर इतने हैं, वोटर का वोट देने का अपना अपना तरीका अलग अलग है। कोई जात के नाम पे वोट देगा, कोई धर्म के नाम पे वोट देगा, कोई पैसा लेकर के वोट दे देगा, कोई बाटली लेकर के वोट दे देगा। हम जानते हैं कि वोट आप अपने तरीके से देंगे, लेकिन बस मैं आपको एक चीज कहने के लिए आया हूं, ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है, ये लोकतंत्र, ये जमहूरियत इतना सस्ता नहीं है। अगर आप इसको इतना सस्ता बना देंगे तो एक दिन जिंदगी जो आपकी महंगी है वो बहुत महंगी हो जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए। ये अधिकार जो आज आपको मिला हुआ है, ये अधिकार किसी के भीख में नहीं मिला है। आपके जो पुरखे हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों की कुर्बानियों से ये आजादी मिला है।